खराब वर्कआउट टेक्निक से आपको रिजल्ट्स मिलने तो एक तरफ, आपको इंजरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप किसी ट्रेनर के अंडर नहीं है तो हो सकता है कि आप खराब टेक्निक से एक्सरसाइज कर रहे हो लेकिन आपको पता ना हो, क्योंकि आपको कोई बताने वाला नहीं है। तीन बड़े साइंस जिससे आपको पता चलता है कि आपकी टेक्निक खराब है। नंबर एक, अगर आपको एक्सरसाइज करने के दौरान या फिर एक्सरसाइज करने के बाद पेन फील होता है किसी बॉडी पार्ट में, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपकी टेक्निक गलत थी। नंबर टू, कोई बड़ी कंपाउंड मूवमेंट करने के टाइम अगर आपके मेन मसल से पहले आपके हेल्पिंग मसल्स थक जाते हैं, जैसे कि मान लो आप पुलअप्स लगा रहे हो और पुलअप्स लगाते टाइम आपके बैक मसल से पहले आपके बाइसेप्स थक जाते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा साइन होता है कि आपकी टेक्निक खराब है। नंबर थ्री, नो पंप इन टारगेटेड मसल्स। एक्सरसाइज करते टाइम आपके मेन मसल्स में आपको पंप या कनेक्शन नहीं फील हो रहा है, तो ये भी बहुत बड़ा साइन होता है कि आपकी टेक्निक खराब है। अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज में ये तीन साइंस दिख रहे हैं तो करना क्या है, आप लाइट वेट के साथ अच्छी टेक्निक को बहुत लंबे समय तक प्रैक्टिस करो जब तक ये तीनों साइंस खत्म ना हो जाएं।